तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए बहुत सिंपल और आसानी से बनने वाला तोरण डिज़ाइन लाई हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ आम के पत्ते ले लिए। हमें सबसे पहले यहाँ पे इसे अच्छे से धोकर सुखा लेना। अब आपको इस तरह से देखिए ये जो पॉइंट है इस तरह से काटते हुए इसे हमें दो पार्ट में देखिए, क्योंकि अगर ये मेरे बड़ा पत्ता तो इस तरह से हमें दो पार्ट में सब पत्ते को काट लेंगे। और यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए एक कोन का शेप देना है। आप देख रहे हैं बस इस तरह से हमें एक टर्न करना है और यहाँ पे हमें स्टेपलर के सहायता से यहाँ स्टेपल करना है। आप चाहे तो इसे सिल भी सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मुझे ये बहुत आसान लगता है। इस तरह से हमें स्टेपल करना और इसके बाद इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे ताकि यहाँ पे ये गोल सा शेप हो जाए। तो देखिए इस तरह से मेरा ये कोन एक बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें एक एक करके सबको हमें बस इसी तरह से काट लेंगे सबसे पहले और इस तरह से एक कोन का शेप दे देंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें स्टेपल कर देना, क्योंकि देखिए दिवाली में ऐसे भी बहुत सारा काम होता है और अगर हम इसे सुई धागा से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग का होगा, लेकिन अगर हमें इस तरह से इसे स्टेपल कर देंगे तो ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। बस इसी तरह से हमें एक एक करके सारे बहुत सारे कोन बनाने हैं, क्योंकि अगर हमें बड़ा चाहिए उसी के अनुसार से हमें ये कोन भी बनाना होगा। तो चलिए इसी तरह से हमें अपने कोन को बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इतने सारे कोन बना लिए। तो चलिए मैं अब आपको बताऊंगी कि अब हमें आगे क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं अगर हमें तोरण बनाना है तो हमें इस तरह से फूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने यहाँ पे फूल ले लिया है और फिर आपको इस तरह से एक नीडल और एक थ्रेड लेना है और यहाँ से इस तरह से हमें बस एक बार इस तरह से हमें अपने कोन को डालना है और फिर हमें यहाँ पे एक फूल को इस तरह से हमें अपने निडल में डाल लेना है। फिर इस तरह से कोन को भी इस तरह से हमें ये जो मैंने कोन बनाया इसके बीच से भी हमें निडल को निकाल लेना है। तो इसी तरह से देखिए एक बार फूल एक बार कोन। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूल को ले लिया है और फिर इसके ऊपर से हमें फिर से एक कोन को हमें यहाँ पर डालना है। बहुत सिंपल और आसान है और बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है, क्योंकि हर बार हम सिंपल से बनाते थे, इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है ताकि मेरा तोरण दिखने में थोड़ा सा अलग लगे। तो देखिए इसी तरह से देखिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो देखिए मैंने एक कोन एक फूल एक कोन बहुत सिंपल है, बस एक एक करके हमें इसे अपने निडल में डाल लेना है और फिर यहाँ से फिर से एक कोन आपको जितना लंबा चाहिए आपको उसके अनुसार बना लेना है। तो देखिए ये इस तरह से बन रहा है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसी तरह से हमें एक एक करके सबको बना लेना है। फिर इस तरह से कोन के बीच से हमें निकाल लेना है। फिर से हमें यहाँ पे एक फूल डालना है और फिर एक हम अपना ये जो कोन है इसे डाल लेंगे। हमें इक्वल गैप रखना है ताकि वो एक जैसा लगे। देखिए इस तरह से बस इसी तरह से हमें एक एक करके अपने हर फूल के बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर अपना जो ये कोन है इसे हमें डाल लेना है।
बहुत सिंपल है, कुछ ही सेकंड में बनने वाला ये तोरण है। हम चाहे थे दिवाली से एक दिन पहले ये कोन बना के रख सकते हैं ताकि हमें दिवाली के दिन में इस तोरण को बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए इस तरह से बन गया है। इसी तरह से मैं और भी आगे तक बना लूँगी।